नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सिविल और मैं हूं आपके साथ चोप सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। ताजनगरी आगरा में दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या, हत्या के बाद फैली सनसनी। ताजनगरी आगरा के आगरा ग्वालियर रोड रोहता नहर के पास खूबीराम इंटर कॉलेज के पास दिन दहाड़े लगभग 2 बजे एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। प्रत्यक्षदर्शियों की अगर बात मानी जाए तो 3 युवक और 1 महिला बताई गई है। सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और हत्या की गुलती सुलझाने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची। ACP पूनम सरोई के साथ साथ DCP सोनम कुमार भी मौके पर पहुंचे हैं। थाना मलपरा और ककुआ चौकी का फोर्स भी मौके पर पूरी मामले की जाँच पड़ताल में जुट गए हैं। नहर को बारीकी से देखा जा रहा है। युवक के थोड़ी में गोली मारी है जो कि ऊपर सर से होती हुई चांद में निकली है, जिसके चलते युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। DCP ने बताया है कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। मृतक युवक की पहचान फिलहाल उसकी जेब में मिले आधार कार्ड के आधार पर बात मानी जाए तो उसका नाम ब्रजबीर सिंह जो कि गाजियाबाद का रहने वाला बताया है और वर्तमान में यहीं आगरा में किराए पर रहता है। पूरे पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। वहीं बताया गया है कि कहीं ना कहीं पूर्व पत्नी का भी मामला देखा जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है और जो भी दोषी होगा जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा, यह पुलिस ने दावा किया है। अब देखने वाली बात यह होगी पुलिस इस हत्याकांड का खुलासा कितनी जल्द कर पाती है। तो जानिए DCP सोनम कुमार से और प्रत्यक्षदर्शी से क्या है पूरा मामला। इसे जो आदमी मरा है, अच्छा उसने खाना खाया था? खाना खाया। अच्छा, खाना खाने के बाद में मैं लगा रहा था सांस के कैस पी। अच्छा, तो पत्थर पर बैठ गए। अच्छा, तो पत्थर पर बैठने के बाद में एक आवाज़ आई थी, उसको आवाज़ आने के बाद वो चला गया। मैंने नहीं निकाल के मैं कैप्सूल में लगा रहा था। महिला भी थी? नहीं, बॉटम पर कोई महिला नहीं। अच्छा, खाने में क्या क्या खाया? अभी खाने में क्या, वो थाली देता है वो तो दुनिया को पता है। थाली देता है वहाँ पर दाल और आलू की सब्जी। अच्छा, अकेला था ये? मैं पानी पीने गया, जब देखा था क्या जाने खा रही थी, भीड़ भी देती है इसके साथ। मैंने वहाँ कहा कि वहाँ बैठा 5 मिनट पत्थर पे। अच्छा, मैं वहीं बैठता हूँ कुंडने पे। अच्छा, मैं कैप्सूल लगा रहा था वहाँ बाद में क्या चला गया? नहीं, वो वहाँ से उठ कर चला गया। आप मुझे नहीं पता किधर गया, इधर ही गया शायद। हमारा एक घंटे बाद हाली भग के देखा था मुझे तो कोई आवाज है। देखिए, रोहता नहर के पास एक जो यहाँ गली है यहाँ पे एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली थी, उसमें गनशॉट वॉन्ड था टुड्डी के आसपास और उसको देख करके तत्काल पुलिस यहाँ पहुँची है और SOG सर्विलांस की टीम भी आई है, फॉरेंसिक टीम भी आई, डॉग स्क्वाड भी आया था। आसपास के लोगों से बात करने पे यह पता चल रहा है कि कुछ झगड़ा वगैरह हुआ था जो संभवतः इसकी पुरानी पत्नी है उसके साथ ही हुआ है। अभी हम लोग ट्रेस कर रहे हैं इसको और जो CCTV आसपास कुछ मिले हैं उसको खंगाला जा रहा है। जल्दी इसको वर्कआउट किया जाएगा कि एक्चुअली घटना हुई क्या और इसका अगर कोई दोषी पाया जाता है उस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसा मालूम पड़ता है कितने लोग थे? नहीं, अभी जो हम लोग को फुटेज मिला है उसमें तो अभी तक तो एक ही व्यक्ति, एक ही महिला दिख रही है हमें, पर आगे हम और भी तलाश रहे हैं क्योंकि आसपास खेत का इलाका है तो संभव है कुछ लोग खेत से भी गए हों और दूर जो दुकान है वो कह रहे हैं कि कुछ झगड़े का तो मैटर हुआ था, तो ये सब देखा जा रहा है। जो भी साक्ष्य होंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई करेंगे हम लोग। सर, पहचान हुई है युवक कहाँ का है? हाँ, युवक की पहचान हो गई है और उसके पैंट से जो है वो भी मिला है, एक आधार कार्ड भी मिला है। हम वो भी कंफर्म कर रहे हैं कि उस व्यक्ति का ही है और जो जो महिला यहाँ से जा रही है उनकी भी तलाश में पुलिस लगी हुई थी। और इसी के साथ जुड़े रहें आप हमारे साथ और देखते रहें हिंदुस्तान सिविल न्यूज़।